भैया हो? हेलो भैया, बोल 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 कौन? अपना काम बताइए। तबियत हलवान हो तो ग्रांडी खाओ। आप मैं ग्रांडी खाओ, आपको नहीं खाना है। ऐसे में अपने घर का फिर तो जाओ, इधर लौट जाओ, इधर लौट जाओ। बहुत द्वारिका पुरी दिखाते हैं। चप्पे ही सोनितपुर में भाई चल हो नहीं तुम का द्वारिका के गया के मखो से दिया। मैं यहाँ नहीं रुकने वाला हूँ। रुके हो नहीं तो रही खवाई। बाबा श्री ताऊ श्री मारो गोली कोई नहीं बोली। भैया 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 जिंदगी भर बात ही प्याला हो है। क्यों नहीं समझाते हो? दो रहता मैं चकवाटा मारो। चकवाटा आप कक्कू इनके तो क्यों नहीं समझाते हो? बरिगे कक्कू इधर आओ। यह खुदा ही बहुत हत्यारी नहीं है। भैया बोलो बताओ तुम्हारे इतना बल रहा तुम नखरा पेल रहे हो। तुमसे नान नान लूंगे मत इस वक्त तिंगल करते। मैं ये सब कुछ नहीं जानता हूँ। मैं अपनी घर का पुरी को जा रहा हूँ। डंडा ला हमारे तरी खतरिया ऐसा। मैं अपनी घर का पुरी को जा रहा हूँ। मक्का द्वारका के आकर पास चला। यदि मुझे छोड़कर गए तो मैं मर जाऊंगी। मर जा रहे कौन मेरे खानदान की है? कत्तू में मरने जा रहे हैं। ऊपर चलो बहुत खराब बेटा। नहीं जो मर गए तुम का ही तुम जा था ना फसा जा। मर जाने तो कौन हमारे खानदान की कौन हमारे घर की खानदान पता लगी परे परे मुतन्न दुए दिन मां समझ मा दी थी। मुझे छोड़कर जाओगे तो मैं कसम से मर जाऊंगी। मर जाओ तो फिर जाओ। मैं जा रहा हूँ। आप कक्कू क्यों नहीं समझाते हो? कक्कू इसको तुम खत्म को तरस नहीं आओ। हमको ऐसा कुछ नहीं पता। वह मरा से है तो मरवा दिया। मर जाने दोस्तों। कौन हमारे घर की कौन हमारे खानदान की? ऐसे तुमने दिमाग धरा जाओ। हाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। मैं केवल 3 मिनट में मर जाऊंगी। मैं मरने जा रहा हूँ। मर जाओ। नंबर 1 2 तुम्हें मार डालूंगी तुम बोलोगे। अरे बिटिया जब मुझे मरना आता है तो मुझे गिनती भी गिनना आता है। ठीक है सही यार बिटिया नहीं खुद है गिनी खुद है कौन सी मरो ना तो क्या करो मरो तो क्या करो नखरा दिखाओ के जाओ खोंच लिया वो बढ़िया लौटी आई। अच्छा मर जाएंगे बिल्कुल। चलो ठीक है मरने जा रहे हो। नंबर 1 नंबर 2 क्या कर लिया कक्कू तुमने? अब तो तुम मुझे फंसा दोगे कक्कू। फंसे नहीं क्यों जान लियो तुम फंसे फंसाए हो। कौन निकाल भाई अभी निकाल रुक जाओ बहुत बम बात है तब चिकना लगा ली। चिकना यहाँ कहाँ से लाऊं मैं? चिकना नहीं तेरे को तेल लगा ली। तेल कहाँ से लाऊं? तेल नहीं तेरे को थोको लगा ली। आप सचमुच में मर जाना चाहते थे उषा। अब तुम्हें मरने की कोई आवश्यकता नहीं उषा। अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ उषा। अब मैं तुम्हें छोड़ करके कभी अपने द्वारकापुरी को नहीं जाऊंगी उषा। कि आए उषा तुम्हें प्यार करता हूँ इकरार करता हूँ। Yeah.
साहब, मैं आपको छोड़कर के कभी अपनी द्वारकापुरी नहीं जाऊंगा। पहले मुझसे वादा करे कि मुझे छोड़ करके कभी नहीं जाओगे। नहीं जाऊंगा वकील साहब। यस स्वामी बोलो। तुम नहीं करो। अब मैं नहीं जाऊंगा कक्कू। नहीं जाई हो? तुम हट जाओ इससे। अब हट जाओ इससे। अच्छा मतलब हम है मझवानी बने, हम है हट जाए। चलो आते हैं। अरे बिट्टू भाई, भैया बोलो। पहले तुम काम क्या फान कहो यार, बहुत देर से आप देख रहे हो। या बात नए है, तुमका पिछले साल देखा रहे। पिछले साल आप उनको कहाँ देखे हो कक्कू? चलिया मैं यहाँ लॉकडाउन में यहाँ लौके तो रही भी रहो। बोलो लगता है सब खत्म हो गए। चलता हूँ महाराज को बताता हूँ, जो भोले बाबा से ध्वजा लाए थे सतखंडे पर लगी थी, यानी नीचे को झुक गई है। वाणासुर की खुदरी शांत करने वाला कोई योद्धा सरदपुर में प्रवेश कर चुका है। जो ध्वजा लाए थे भोले बाबा से सतखंडे पर लगी थी और नीचे को झुक गई महाराज। क्या सतखंडे पर लगी हुई ध्वजा नीचे को झुक गई? हाँ महाराज। और द्वारपाल महाराज कहो, मेरे बेटी के महल के क्या समाचार है? महाराज हम चाय खाले तक नहीं गए, बूढ़ी सुनी तक नहीं गए, बिटिया उषा के कछुए पता नहीं कहाँ से राजा स्वामी सैया बलवा द्वारिकवा किरण बिशरमुआ भूसा परस्त महाराज। क्या मेरी बेटी उषा के महल में चोर?
आवाजें आ रही है। हाँ महाराज। द्वारपाल महाराज, अगर ऐसी बात है तो चलो आवास में व्यक्ति के कक्ष तक चलता हो। हाँ महाराज, चलो। द्वारपाल महाराज, आवाज लगाओ और दरवाजे खुलवाओ। बटियाओ सा दरवाजा खोलो ना। क्या नहीं मूर्ख नहीं कहा? अरे दरवाजा खोलने के लिए कह रहा हूँ और तू कहता है खोलो ना। अच्छा महाराज, बिटिया सा खोलो। क्या खोलो? दरवाजा। अरे तू नाम ले लिया कर। ठीक महाराज। बिटिया सा हमारे कुंडली में भरो यो भोसा। देख लो महाराज, कितना बिटिया हुआ जबरदस्त है। कुंडली कुंडली चकोटे पर ही दरवाजा नहीं खोलो। अरे तो किसी प्रकार से खुलवा। आप है खुलवा लो महाराज। ओसा दरवाजा खोल। ओसा दरवाजा खोल। उषा खोल। करियो कि ना का कटी। करियो कि महाराज इनका वीडियो बना गूगल पर छोड़ दी। यह क्या? उषा के कक्ष में चोर तत्काल इसका वध कर देना चाहिए। क्या हुआ महाराज? पर नहीं, मैं इसका वध नहीं करूंगा। तो महाराज मैं मार दूंगा। अरे नहीं द्वारपाल, इसका वध मत करना। क्यों महाराज? क्योंकि मैं समझा था घर का भेदी, या कोई नूर कभी ना हो, पर नहीं अंगूठी उषा हो, यह नगर लाल नदी ना हो। मैं इसी पुरुष से उषा का विधवत संबंध रचाऊंगा, पर लौकिक रीत निभा लेता, इसका प्रण भी आज मांगा। मैं उषा का एक पुरुष से आज विवाह रचाऊंगा। लेकिन लेकिन क्या महाराज? इसका प्रण भी अजमाऊंगा कि इसका खानदान कैसा है। हाँ, इसका बल भी अजमाऊंगा। अच्छा। और द्वारपाल महाराज, मारने का इसे मारने से रुकने का एक और कारण है। कौन सा महाराज? कि मैं पीरों का पाना लेकर जाए बैरी संपाद मुझे ताब
मैं इसका बल और प्राण और इसे अच्छी प्रकार से मैं अपना परिचय और इसका भी परिचय डालूंगा। ठीक है, तरह हम न्योता मार दी। कहे कि न्योता मारा जी है नहीं मारा? ठीक नहीं, न्योता नहीं बात है। आचरे जैसे जगेंगे दोनों, तत्काल मैं आपको सूचना दूंगा महाराज। आवाज सूचना कर देना। हमारे मौत भी फिक्र करो अब पिता प्राणे पिता प्राण हरे आया है ना जाने किस है प्यारे ने अंदर का भेद बताया ना जाने किस है प्यारे ने ऐसा तो आप चिंता क्यों कर रहे हो ऊषा? यदि आपके पिता श्री को पता चल चुका तो आप चिंता मत करो ऊषा। कि ऐ देवी तुम चिंता न करो, जो होगा देखा जाएगा। अनंत मोम की मूर्ति नहीं जो कहीं से चिंता क्यों कर रहे हो सा? अनुरोध कोई खिलौना नहीं जो खेल खेल में फूट जाएगा, ना तो कोई मनु जो करने से पिघल जाऊंगा। अगर उसका आप कहो कि कहो तो सोरे निकल जाओ अथवा रूप दो हवाओं को चिंता मत करो साहब, क्योंकि प्रेमी कभी किसी से डरते नहीं। साहब जो होगा सो देखा जाएगा।